हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग पोस्ट ऑफ वैलिड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑनलाइन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेगुलर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ वैलिड डिपार्टमेंट, इसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा जो रेगुलर टीचिंग पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेगुलर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है ये नोटिफिकेशन, और डाउनलोड करने के बाद आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए रेगुलर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग पोस्ट। तो यहाँ पे दोनों, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो रेगुलर के लिए हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल के भी हो, तो आप दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक, सबसे पहले हम देख रहे हैं रेगुलर टीचिंग पोस्ट के बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट, पे योर फीस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, फिल योर फॉर्म आफ्टर फीस सबमिशन। तो एनी क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आपको यहाँ पे जो मेल एड्रेस मिलेगा, साथ ही साथ जो है हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो मांगा है, और जो इसमें जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च बाय 5 PM है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मांगा है कि कि आपको जो है यहाँ पे असिस्टेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है यहाँ पे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो ये आपको ने एप्लीकेशन देख लिया एडवर्टाइजमेंट का। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके और कुछ डिटेल्स देखने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे पूरा जो है आपको यहाँ पे सारी सीट्स देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ जो देखने को मिलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छी चीज़ है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं और इन डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन आपको क्या मिलेगा, चाहे प्रोफेसर मिलेगा या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप देखिए माइक्रोबायोलॉजी, अम्बेडकर चेयर, इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इस टाइप पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में और उसमें क्या डिजिग्नेशन आपका है, और आपको यहाँ पे क्या है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये सब एक अच्छी सीरी यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ प्रोफेसर के लिए भी एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और किस सब्जेक्ट में या किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी वो भी आपको देखने को मिलेगी, अलॉन्ग विद ये किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट के भी है। तो यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट यहाँ पे ओपन है, और ये ओपन कैटेगरी में है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको मिलेगा 15, आपको पे करना है 1500, जो कि नॉन रिफंडेबल है फॉर OBC जनरल एंड EWS कैटेगरी की। वहीं अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप या वुमेन कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे जो है 1000 रुपीज़ का जो है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आप OBC कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे OBC कैटेगरी जो है उसका यूपी का यूपी गवर्नमेंट का OBC का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपका शेयर किए हैं। और उसे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका जो कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ आपका नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, चाहे वो UGC हो, चाहे CSIR हो, चाहे सेट हो, चाहे स्लेट हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अपना PhD जो है उसका एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले किया है, तो आपको यहाँ पे नेट स्लेट नहीं देना पड़ेगा। वही अगर आपका PhD डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है, तो आपको यहाँ पे कोई भी नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो QS रैंकिंग में टॉप 500 में आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ से आपने PhD किया है, या AIWU या संघाई रैंकिंग। तो इन रैंकिंग के बेस पे जो है अगर आप टॉप 500 में आपकी यूनिवर्सिटी इन रैंकिंग में है, तो आपको यहाँ पे नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर किए हैं। तो ये सब बाकी जो आपको एलिजिबल लाइक के डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनका सेपरेट सेपरेट एलिजिबिलिटी है। तो ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी सबकी सेम है, बस जो आपका मास्टर डिग्री और रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, दैट इज लाइक मैंडेटरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और साथ में हमने एप्लीकेशन फ़ी भी देख लिया है। तो ये सब कुछ अगर आप जो है अपना जो फॉर्म सबमिशन है उसके लिए देखें यहाँ पे लॉगिन, अगर आप एक बार अप्लाई कर लेंगे, एप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो उसके थ्रू आप जो है अपना फ़ी भी पे कर सकते हैं। ऐसे पे योर फीस आप रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डाल के जो है आप अपना जो फ़ी है वो पे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।